वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि मैंने अपना प्रीवियस वीडियोस में आपको डिटेल बताया कि इन्वेस्टमेंट, सीटी फैसिलिटी, कार डिटेल्स, ये अलग अलग सेगमेंट हो जाते हैं। आपको जब ओला उबर बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जितना भी चीज़ें आपको बता चुके हैं, आपको हेल्प करेंगे एक काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मेन चीज करने के लिए। लेकिन जो आपका बिजनेस रन करे वो होता है ड्राइवर। अब ड्राइवर वाला आपको बताना चाहता हूँ मैं, बहुत सारे चीजें होते हैं, लेकिन मैं ट्राई को कोशिश करूंगा सब चीजों को कवर करने की। अब जैसे मैंने लास्ट 3-4 साल से बहुत सारे ड्राइवर देखे हैं, बहुत जन आते हैं जाते हैं, और क्या मेथड मैं फॉलो किया है आपको बताऊँ उसके बारे में। आपको ड्राइवर मिलेंगे कहाँ से? अब गो फॉर क्विकर एड्स, ओला OLX एड्स, फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह, ड्राइवर के ग्रुप्स होते हैं, ट्राई टू ज्वाइन देयर नेटवर्क्स। नेटवर्क से आपके एक ड्राइवर है तो आप उससे बात करिए कि उसका गाँव या फिर उसका फ्रेंड सर्कल में कहाँ पे है, और दूसरे ड्राइवर पहले से कॉन्टैक्ट लेके रखिए, ये आपको बेनिफिट रहता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं आपके ड्राइवर की वैकेंसीज एंड ड्राइवर के डिटेल्स के बारे में। और आपको बता दूँ, बहुत सारे एजेंसीज वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आपको मैंने एक्सपीरियंस वीडियो बताया था, बहुत सारे एजेंसीज वगैरह होते हैं जो आपको लिटरली बोलेंगे कि हैवी अमाउंट पे करने के लिए, लाइक 15,000 समथिंग, दे विल टेक द गारंटी कि लाइक आपको 1 साल तक वो ड्राइवर प्रोवाइड करेंगे। और आपको बता दो, कुछ वेरिफिकेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने अपने तरफ से देख रखा है, फेस कर रखा है, मैंने उनके लिए कंज्यूमर कोर्ट का कंप्लेन भी वगैरह कर रखा था, कुछ फायदा देता नहीं है। तो आपको सिंपल एंड बेस्ट वे है, आपको ड्राइवर मिलेगा OLX एट, क्विकर, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह, नेटवर्क्स, यही चारों चीज जो है आपको ड्राइवर खोजने में बहुत हेल्प करेंगे। रहेगा हायरिंग, आप ड्राइवर कैसे चूज करेंगे? ये चीज मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि लाइक मैं क्या करता हूँ, चूज कैसे करता हूँ। और आपको बता दो, एक अच्छा तरीका है चेक करने पर उनको डॉक्यूमेंट से चेक करें, लाइक आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, या फिर उसका DL हुआ, और ये सब चीज आपको आइडिया मिले कि ड्राइवर का प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट है या नहीं। फिर आप ड्राइवर से आपको मिल चुके, आप अभी आ चुके आपसे मिलने के लिए, यू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, उसका ड्राइविंग आप देखिए, वो कहाँ पे कैसे ब्रेक्स वगैरह कर रहा है, हॉर्न यूज कैसे कर रहा है, टर्निंग्स वगैरह कैसे है उसके। और जब आपसे बात कर रहा हो, आप बातचीत में उससे थोड़ा फ्रेंडली बात वगैरह करिए, उससे बातचीत होता पूछ लीजिए कि लाइक पास्ट एक्सीडेंट डिटेल्स की और कैसा है। और पास्ट एक्सीडेंट डिटेल इसलिए आपको मैटर करता है, बहुत सारे ड्राइवर होते हैं जो ड्रिंक वगैरह करना या सिगरेट वगैरह करना, दैट इज वेल एंड गुड इफ इज अप टू ए लिमिट। अगर वो पिछले पास्ट में उसका ड्रिंक एंड ड्राइव का कुछ इंसिडेंट्स वगैरह है, तो आप प्लीज अलर्ट रहिए उस सब चीज के लिए, कि वो बहुत हैम्पर कर सकता है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव ऐसा चीज होता है कि लाइक इट टेक्स लाइफ, मतलब बहुत जिन बहुत रिक्स है, तो वो सब चीज अवॉइड करिएगा। और आप उसको पूछिए ड्राइवर को कि उसका एक्सपेक्टेशंस क्या है, लाइक वो क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, किस टाइप का ओनर एक्सपेक्ट कर रहा है, वो किस टाइप का काम करेगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और ये सब चीज जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि आप एक अननोन आदमी को अपना गाड़ी दे रहे हैं, और आप वो आप पे क्या ट्रस्ट करेगा, आपको बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि आप उसको गाड़ी दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देंगे, डॉक्यूमेंट कॉपी देंगे, तो ये सब चीज जरूरी रहता है आपको जानने के लिए, उसका पास्ट एक्सीडेंट डिटेल्स हो गया, या फिर क्या एक्सपेक्टेशंस वो रख रहा है, उसका फैमिली क्या है, क्या करना चाहता है वो, उसका कब तक काम करने का है ओला ओवर में, पहले क्या एक्सपीरियंस हो चुका है, कितना काम किया ओला ओवर में, डेली कितना बुकिंग कर सकता है, तो ये सब चीज आपको पहले देखना पड़ेगा। तो ये आपका नॉर्मली था इन्फॉर्मेशन, और इसको छोड़ के और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ड्राइवर देख लो, आप जितना भी कर लो, वो आपका एक अनऑफिशियल बिजनेस पार्टनर, वो आपका बिजनेस, आप पैसा लगा सकते हो, लोन अमाउंट क्लियर करोगे, गाड़ी का मेंटेनेंस आप कर सकते हो, लेकिन डे इन एंड डे आउट आपका ड्राइवर ही है जो आपका बिजनेस रन करेगा। आप ओनली उसको सुपरवाइज करोगे, आप तो गाड़ी में जाके बैठ के नहीं चला रहे हो। अगर ये वीडियोस को ड्राइवर्स वगैरह देख रहे हो, तो आप समझिए बात चीज को, आप सोच सकते हैं कि आप ही अपना ओनर हो, आप ही ड्राइवर चला रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि गाड़ी जो ड्राइव होगा वो बहुत जरूरी वाला चीज है। और जो ओनर लोन देखना चाह रहे हैं, तो आप अपने ड्राइवर से अच्छा बिहेवियर रखोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे ओनर्स होते हैं जो ड्राइवर से अच्छा बिहेव नहीं रखते, इन शॉर्ट बहुत एरोगेंट बिहेव करेंगे या फिर एंग्री वगैरह बिहेव करते, तो फिर ड्राइवर भी उस तरह का बिहेव करना स्टार्ट करता है। और ये सब चीज छोड़ के कुछ और चीज आपको जो नोट करनी पड़ेगी ड्राइवर के साथ, एग्रीमेंट। जैसे आपको बताया कि आप बिजनेस पार्टनर बोल रहे हैं उसको अनऑफिशियल, तो आपको पहले से ड्राइवर से क्लियर रखिए कि क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या सैलरी आप उसको देंगे, ये चीज क्लियर रखिएगा। इसमें कभी भी कुछ डाउट मत रखिएगा। और नंबर ऑफ डेज का लीव चाहिए उसको, बहुत जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फॉलो होता है वीकली 1 डे ऑफ, और कभी कभार कोई सीख हो गया तो अलग बात है। और वर्किंग कल्चर, लाइक वो आपसे किस हिसाब से वो क्या सोच रहे हो आप, लाइक आप उससे 5 दिन 7 दिन एक बार मिलोगे, कितने दिन उससे बातचीत वगैरह करोगे, और उसका बिहेवियर,
कुछ कुछ होते हैं लाइक वो लोग कॉल रिसीव नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, वो लोग अपने दुनिया में रहेंगे, दे डोंट वांट द ओनर टू इंटरफेयर, वो अपने सबसे मैनेज करेंगे। तो ये सब कुछ आप पहले से ड्राइवर से बातचीत करें, क्लैरिटी रखें, क्योंकि ये सब चीज आपको जितना क्लैरिटी आप रखोगे उतना बेनिफिट आपके लिए का। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप ड्राइवर से क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो ये आप ही जाके सफर होंगे। और इसको छोड़ के जो एक बहुत जरूरी चीज होता है मनी फ्लो, ये भी जिसमें मनी बहुत आएगा ड्राइवर के पास में, तो अब मनी फ्लो कैसे करोगे? जो कस्टमर कैश देगा, कैश है, डिजिटल ट्रांसफर जो होगा ओला उबर के थ्रू में, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, डिजिटल ट्रांसफर, और जो पैसा वगैरह आएगा तो वो कस्टमर ड्राइवर के अकाउंट पे सेंड करना चाहेगा या गूगल पे, फोन पे, या फिर कस्टमर पे ओनर के नाम पे, ये सब आप ड्राइवर से क्लैरिफाई कर लीजिएगा। अगर ड्राइवर आपको एडवांस मांगता है तो आप उसको किस हिसाब से एडवांस देंगे, कितना एडवांस देंगे, ये चीज आपको देखना जरूरी है। और आखिरी में जो ओला से बैंक ट्रांसफर अमाउंट वगैरह होगा, आप चाहेंगे ड्राइवर के अकाउंट कराना चाहते हैं या फिर अपने अकाउंट लगाना चाहते हैं, तो ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये सब होता है ड्राइवर के रिलेटेड। इससे पहले आप ड्राइवर कहाँ से खोजेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे खोजेंगे, फिर ड्राइवर से क्या, ड्राइवर साथ क्या एग्रीमेंट रहेगा आपका, और मनी फ्लो। तो ये बेसिकली सब इन्फॉर्मेशन था ड्राइवर के थ्रू में। और आप जब आपको इन्वेस्टमेंट, सिटी फिजिबिलिटी, कार एंड ड्राइवर, आपको सब देख चुके हैं, आपको समझ में आ चुका रहेगा कि बिजनेस में जाने के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। और बेसिकली ये मेन चार चीजें होती हैं, और इसको छोड़ के जो बाकी एक्स्ट्रा चीजेस है वो साइड बाय राउंड राउंड घूमेंगे, आगे पीछे जो हो गया रिस्क फैक्टर, मनी मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट, प्रोसेस फ्लो, इसके बारे में अपने आगे वीडियो बताऊंगा। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आपको अगर सेम टॉपिक और वीडियो सीरीज चाहिए तो आप स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड बेल बटन में क्लिक कर दीजिए, आप नोटिफिकेशन आ जाएंगे नेक्स्ट कोर्स वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे आपका टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हूँ, जहाँ पर डायरेक्टली मैं क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, चाहे तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।